हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं भैया। भैया को फिशुला इन्होंने डायग्नोस हुआ था और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस फिशुला था। पहले हम एमआरआई देख लेते हैं, फिर हम बताते हैं कैसे भैया को ठीक किया गया। आप इस एमआरआई को पढ़ सकते हैं, इसमें मल्टीपल ब्रांचेस थे और ये ग्रेड 4 का फिशुला था, क्योंकि इसमें एक हॉर्सो शेप फिशुला था, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर का केस था। आप देख सकते हैं इसमें कलेक्शन बहुत सारे हैं, पूरा स्मॉल कलेक्शन इज नोटेड इन द राइट पेरिनल रीजन। ऐसा आप पढ़िए तो पूरा इसमें कई सारे एब्सेस हो, तो ये रिपोर्ट है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया पिक्चर है। इसमें आप जो अभी वहाँ पे लिखा हुआ था आप इसमें देख सकते हैं, एक राइट साइड में कलेक्शन था। कलेक्शन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक ट्रैक गया था, इसमें एक यहाँ पे ओपनिंग थी, फिर यहीं से ये जुड़ा हुआ था, फिर यहाँ पे एक ओपनिंग बनाया, फिर इंटरस्फिंक्टरिक स्पेस में होते हुए फिर ये वापस जाके यहाँ पे एक कलेक्शन बनाया। तो एक तरह से ये ग्रेड 4 का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। इनका भैया का लास्ट अप्रैल लगभग मई, 1 मई के आसपास इनको 400 लाइगेट किया गया था। और कब ठीक हुए थे बेटा? ठीक हुआ था आपका मई जून जुलाई 3 महीने में भैया का ये पूर्ण रूप से ठीक हुआ था। चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड केस जरूर था, लेकिन इसको इफ्टेक टेक्निक द्वारा हमने किया था। इफ्टेक टेक्निक क्या होता है? एक इंटरसेप्शन ऑफ फिशुला ट्रैक बाय एप्लीकेशन ऑफ छारसूत्रा, ये एक तरह के एक एडवांस छारसूत्रा टेक्निक होती है। इसमें एक विंडो बना के इस पूरे ट्रैक को पूरा हील कराया गया था और 3 महीने में भैया पूर्ण रूप से ठीक हुए। उसके बाद जुलाई के बाद अभी अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीना हो गया। भैया आते हैं हर महीने, एक बार चेक करता हूँ मैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनको दोबारा हो जाए। तो अभी इन 3 महीनों में भैया को दोबारा कभी नहीं हुआ है, ना तो कोई ऐसा साइन सिम्टम है फिशुला वाला, जैसे पस आना, पेन होना या वहाँ पे एबनॉर्मलिटी फील होना, ऐसा कुछ भी वहाँ फील नहीं हो रहा है जो भैया को पता चले कि अभी फिशुला है। क्यों बेटा जी, थोड़ा सा आप बताओ बेटा, छारसूत के बारे में जैसे लोगों के मन में था, जैसे ये भैया बहुत डरे हुए थे, तो जी ये इतना डरे हुए थे कि ये कह रहे थे नहीं ऑपरेशन नहीं होगा, अरे नहीं कराएंगे, क्यों बेटा ऐसा? जी मैं बहुत डरा हुआ था, मैं कई जगह गया भी, एक बार आपके पास आया, फिर मैंने 3-4 जगह कंसल्ट किया, पर फिर मैं जब आया आपके पास आपसे बहुत सेटिस्फाइड रहा जी। तो मेरे को थोड़ा सा घर जैसी फीलिंग, अपनापन यहाँ लगा जी। और मैंने यहाँ पे हिम्मत करके कराया और मेरे को बिल्कुल फ्रेंडली माहौल मिला, जिससे मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला। बेटा लोग कहते हैं कि छारसूत बहुत पेनफुल थेरेपी होती है, ऐसा आपके साथ हुआ? सर ये सोच बन गई है बस, पेनफुल है नहीं, बल्कि जब आप कराएंगे तो उसके बाद आपको बहुत रिलीफ मिलता है। कई जगह मैंने गया एलोपैथिक भी देखा, उसमें हमको काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर इसमें हमको ऐसा नहीं हुआ, बहुत आराम से बिना पेन के। बिल्कुल, चूंकि भैया की शॉप है और भैया दिन भर अपनी शॉप पे रहते हैं, तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जितना इन्होंने ट्रीटमेंट लिया 3-4 महीने का, उस पूरे दौरान कितने दिन छुट्टी ली होगी? मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली भैया का, बहुत रेयर में अगर कभी मेरे पेन हुआ या कुछ हुआ तो मैंने थोड़ा सा आराम कर लिया, बाकी मैंने पूरा वर्किंग जैसे पहले मेरी लाइफ थी वैसे मेरी कंटिन्यू। और चूंकि मल्टीपल ट्रैक थे तब भी केवल 2 छारसूत लाइगेट करके इनका पूरा क्लीन हील कराया गया। और बस क्या है कि हमने जितने भी हमारे, जैसे आप देखें ये कितना बड़ा केस था और मल्टीपल ट्रैक थे, इसको पूरे ट्रैक में फिर 4 सूत लागेट नहीं किया, लेकिन क्या है कि जो हम लोग साफ सफाई का तरीका बताते हैं, चूंकि भैया लोकल के थे, यहाँ से कई किलोमीटर घर है? 5 किलोमीटर घर है। स्कूटी से भैया आते थे ना, स्कूटी चला के आते थे और हम लोग ड्रेसिंग खुद करते थे। तो ड्रेसिंग हमने जितने भी हमारे वीडियोज में आपने देखा, हम लोग ने पूरा फोकस किया है कि किसी भी फोड़ा या फुंसी हो या फिशुला ट्रैक हो, अगर उसको सही से क्लीन कर दिया जाए, साफ सुथरा अगर किया जाए, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। और इसी का रिजल्ट है आज आपके सामने भैया बैठे हैं। हम लोग जो बताते हैं, जैसे पायलवान ऑयल हो गया, जत्ताजी तेल हो गया, लैट्रिन जाने से पहले उसको गुदा मार्ग में डालना है, इससे फायदा क्या होगा? जब कैमरा पास में, इससे फायदा क्या होता है? देखिए जैसे क्या हुआ कि ये ट्रैक था, अब इसमें मल्टीपल ट्रैक थे, अब इसमें क्या करते हैं, मान लें यहाँ पे इनकी ओपनिंग थी, जब हमने इसमें दवा भर के इस ट्रैक में ऐसे पुश किया, तो जब दवा इस ट्रैक में जाएगी तो वो पानी जो लिक्विड के फॉर्म में होगा वो यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी निकलेगा और वो यहाँ से भी पहुँच जाएगा यहाँ पे। तो इसके अंदर, इस ट्रैक के अंदर जो भी डेब्रीज होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि हमारे मलद्वार में बहुत सारे ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, ये ग्राम निगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, और जितना ज़्यादा यहाँ इन्फेक्शन होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे मल्टीपल ट्रैक्स बनेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ओपनिंग है, एक ओपनिंग यहाँ पे है, एक ओपनिंग यहाँ पे है, तो क्या होता है
थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो मल के टुकड़े इसके अंदर जा रहे होते हैं, इसी वजह से हमें बार बार यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं, मल्टीपल ट्रैक बनने के चांसेस हो जाते हैं या एब्सेस बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगर आप सुबह शाम इस डिवाइस से अगर आप इसको साफ करते हैं तो आप विश्वास करिए आपको ना तो ज़्यादा पस बनेगा, ना तो ज़्यादा पेन होगा, ना तो ज़्यादा आपको दोबारा होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे ये चीज़ कहीं मिलती नहीं, हम लोग के पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि या बहुत लोग पूछते हैं सर सिरिंज तो मिल जाती है, कैथेटर नहीं मिलता है, या कैथेटर मिलता भी है तो इस साइज़ का नहीं मिलता जो इसमें फिट हो जाए। तो अमेजोन पे जब जाएंगे तो इस तरह के कैथेटर भी मिल जाते हैं और सिरिंज भी। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो pylomed.com पे आप जाएंगे तो हो सकता है आप वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है। या अमेजोन पे जात्यादि तेल या पायलोमास तेल जो अमृताल या फार्मा कंपनी का, वहाँ पे ये आपको मिल जाता है, वो बना बनाया आपको मिल जाएगा। तो आप ये डिवाइस ले सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब आप सुबह लैट्रिन जाएंगे तो लैट्रिन रास्ते में ऑयलिंग कर देंगे। जब इसको मलद्वार में हमने ऑयलिंग कर दिया, हमने पालुवांस तेल जैसे इसके अंदर डाल दिया, तो क्या होता है जब गुदा मार्ग में ऑयल जाएगा तो ये पूरा एरिया क्या होगा, लुब्रिकेट हो जाएगा। अब जब आप मल त्याग करोगे तो लैट्रिन के जो टुकड़े होते हैं इस ट्रैक के अंदर नहीं जाते। जब इस ट्रैक के अंदर नहीं जाते तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, पहला। दूसरा क्या होता है, जैसे हम अपने घर में कोई अचार है या कोई ऐसा चीज़ है जो ऑयल में अगर रख देते हैं तो वो ख़राब नहीं होता। तो अगर जो ऑयल है वो मेडिकेटेड ऑयल है, अगर इस ट्रैक में वो चला गया है तो जो मल के वजह से जो यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा था इस ट्रैक के अंदर, वो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज होते हैं या जो पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं वो ऑयल में ग्रो नहीं कर पाते। जब वो ग्रो नहीं करेंगे तो अपनी कॉलोनी नहीं बनाएंगे, अपनी कॉलोनी नहीं बना पाएंगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जो ब्लाइंड फिशुला ट्रैक होते हैं, मल्टीपल फिशुला ट्रैक होते हैं, या ऐसा ब्लाइंड कोई एब्सेस हो जिसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप इस डिवाइस के थ्रू जब आप उसको अच्छे से पुश करते हैं तो जो उसके अंदर पैथोजेनिक जो एजेंट्स होते हैं, एक तरह से हम उसको बोल सकते हैं, जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है, और साफ होने के बाद हमारा जो बॉडी होती है वो हीलिंग पावर उसकी बढ़ जाती है, और हीलिंग प्रॉपर्टी बढ़ने की वजह से हमारे जो अंदर के एब्सेस होते हैं या ट्रैक होते हैं वो हील करने लगते हैं। तो अगर आपको फिशुला है या पाइल्स या फिशर है तो आप प्लीज़ इस तरह अपने डॉक्टर की सलाह से अगर आप इसको क्लीन करेंगे तो आप विश्वास करिए आपको मलद्वार की जो समस्या है उसमें बहुत आराम से, बहुत मतलब आराम मिलेगा, राहत मिलेगी, और जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हो उस ट्रीटमेंट एक तरह से हम कहते हैं फोर्टिफाइज हो जाएगा, यानी एक तरह से जो आप दवा खा रहे हो ना, जितना असर उस दवा का होगा अगर आप इसका प्रयोग करोगे तो आपका जो इलाज का जो असर है, एक तरह से जो ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो और अच्छा हो जाएगा, और जल्दी ठीक हो जाओगे। और आपने देखा होगा जितने भी हमने रिव्यूज पेशेंट के डालते हैं, देखिए ठीक तो बहुत हज़ारों लोग हो चुके हैं, लेकिन हर आदमी फेस अपना यूट्यूब पे नहीं आना चाहता है या फेस अपना नहीं एक्सपोज करना। तो जो लोग नहीं आते उन लोग रिक्वेस्ट करते हैं भाई आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। तो भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि इनके भी फेस को हमने बहुत थोड़ा सा दूरी रखा है, और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए। और बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप को अगर मलद्वार संबंधित कोई भी समस्या है तो अपने आसपास किसी भी अच्छे डॉक्टर को मिलके पहले उसके इलाज के बारे में समझिए, अगर आप उनसे सेटिस्फाई होते हैं तो आप उनका जो भी वो आपको एडवाइस करें उसका ट्रीटमेंट लीजिए। अपने मन से कोई भी दवा मत यूज करिएगा, कोई भी तरीका ना यूज करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट क्या होते हैं हेजिटेशन की वजह से, यानी संवश क्या होता है कि ये तो अपने मन से मेडिकेशन करने लगते हैं, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो किसी डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब कई बार इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर वो ठीक होने में बहुत समय ले लेता है। अगर शुरुआती दौर में कोई इस तरह की समस्या डेवलप हो रही है मलद्वार में पायल्स फिशर फिशला तो जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये लेट हो जाता है तो फिर वो ठीक होने में थोड़ा समय लेने लगता है। धन्यवाद।